सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गैरेट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग देख रहे हो मेरे सामने खड़ी है द ऑल न्यू रिसेंटली लॉन्च 2024 Hyundai Alcazar फेसलिफ्टेड वर्जन का बिल्कुल ही बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट, यानी कि यह है Hyundai Alcazar एग्जीक्यूटिव एंड ये पेट्रोल वर्जन के अंदर रहने वाली है। तो गाइस, ये बिल्कुल ही जो है जिसे आप लोग कह सकते हो सबसे सस्ती Hyundai Alcazar। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसका फुली डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू विद फुल ऑनर्ड प्राइस एंड फुल स्पेसिफिकेशंस वगैरह। सो गाइस, कार से रिलेटेड एक एक चीज जो है डिटेल में कवर की जाने वाली है। सो गाइस, फॉर ऑल द डिटेल्स फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो आप लोग कोई भी चीज मिस ना कर पाए। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फ्रंट फेशिया की बात कर लेते हैं। सो गाइस, फ्रंट के अंदर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को सेंटर के अंदर ऐसी कुछ फुली एलईडी कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर जो साइड डीआरएल्स हैं ये अपने को एच शेप्ड के अंदर देखने को मिलने वाली है एंड उसके बाद सेंटर में अपने को यहाँ पर सैटिन सिल्वर फिनिश में Hyundai का लोगो देखने को मिलने वाला है। उसके बाद लोअर रेडिएटर ग्रिल गाइस कार की ऐसी कुछ जो है ग्रिल रहने वाली है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर मैट ब्लैक एंड ओवरऑल डार्क क्रोम फिनिश जो है देखने को मिलने वाली है। थोड़े बहुत यहाँ पर अपने को पियानो ब्लैक एलिमेंट्स भी जो है देखने को मिलने वाले हैं। अब हेडलैम्प्स की बात करें तो गाइस प्रॉपर एलईडी सेटअप जो है देखने को मिलने वाला है, सेम क्रेटा वाला। यहाँ पर अपने को डबल बैरल एलईडी सेटअप देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी सेटअप जिसके अंदर हाई बीम एंड लो बीम डबल बैरल में ऑपरेट की जाती है एंड यहाँ पर सिल्वर फिनिश में जो अपने को स्किड प्लेट्स ऑफर की जाती है कार के अंदर एंड यहाँ पर आप लोग अपनी जो है नंबर प्लेट वगैरह इंस्टॉल कर पाएंगे एंड यहाँ पर अपने को टो हुक भी जो है देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पर भी थोड़े बहुत पियानो ब्लैक एलिमेंट्स जो है ऐड किए गए हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट हाउ द फ्रंट फेशिया ऑफ द Hyundai Alcazar बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट लुक्स लाइक। सो होप सो गाइस आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कार के फ्रंट फेशिया के बारे में। सो ऐसे कुछ जो है बोनेट पे थोड़े बहुत कर्व्स रहने वाले हैं एंड फ्रंट से तो गाइस प्रॉपर बॉक्सी लुक है कार की। सो गाइस, अब जो है हम लोग फ्रंट प्रोफाइल के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम कि हम लोग जो है कार की ड्राइवर साइड प्रोफाइल में मूव करें। सो लेट्स मूव टू द ड्राइवर साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। सो राइट नाउ यू ऑल आर वॉचिंग द ड्राइवर साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। सो गाइस, ऐसी कुछ जो है कार की ड्राइवर साइड प्रोफाइल रहने वाली ओवरऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल एलॉयज की बात कर लेते हैं तो गाइस कार के अंदर अपने को यहाँ पर ऐसे कुछ जो है डायमंड कट एलॉयज देखने को मिलने वाले हैं। 17 इंचेस के एलॉयज रहने वाले हैं। यहाँ पर रहने वाला 215/60 सेक्शन का और 17 इंचेस के टायर्स एंड 17 इंचेस के जो है कार के अंदर एलॉयज देखने को मिलने वाले हैं अपने को एंड ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स जो है कार के अंदर ऑफर की जाती है, तो जो कि अच्छी चीज़ है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ए पिलर अपना जो है ऐसा कुछ रहने वाला है ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर गए ऐसे कुछ अपने को ओरियम्स देखने को मिलते हैं, बॉडी कलर्ड विद मैट ब्लैक फिनिश विद एलईडी साइटन इंडिकेटर्स एंड गए ये अपने को ओरियम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल जो है देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑटो फोल्डेबल जो है अपने को ओरियम्स देखने को मिल जाते हैं कार के अंदर। एंड उसके बाद गए ओवरऑल जो कार की विंडो लाइनिंग है वो ऐसी कुछ रहने वाली है प्रॉपर मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के अंदर। क्रोम तो गाड़ी में बिल्कुल भी जो है प्रेजेंट नहीं है क्योंकि गए क्रोम जो आजकल आउटडेटेड भी हो चुका है एंड यहाँ पर अपने को ऐसी कुछ जो है सारा ट्रीटमेंट देखने को मिलने वाला है, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट जो है ऐसा कुछ अपने को देखने को मिलने वाला है साइड प्रोफाइल में। ऊपर का इस रूफ रेल्स ऐसी कुछ देखने को मिलने वाली, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी लार्ज साइज की जो है रूफ रेल्स मिलती है कार के अंदर बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट में। गाइज अपने को जो है कोई भी पैनोरामिक सनरूफ वगैरह जो है कार के अंदर नहीं ऑफर किया जाता है। उसके बाद डोर हैंडल्स की बात कर ले तो बॉडी कलर्ड अगेन डोर हैंडल्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर अपने को रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है कीलेस एंट्री वाला एंड गाड़ी के जो है जितनी भी लोअर बॉडी क्लैडिंग है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ऐसी कुछ जो है अपने को पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर देखने को मिलने वाली। आप लोग इसे पियानो ब्लैक या ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट कुछ भी कह सकते हो, तो ऐसी कुछ जो अपने को लोअर बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलने वाली कार के अंदर जो जितनी भी लोअर बॉडी है कार की। एंड यहाँ पर अपने को जो है ऐसा कुछ जो है सिल्वर ट्रीटमेंट भी देखने को मिलने वाले ऑन द साइड प्रोफाइल। तो ये हो गया गाइस ओवरऑल कार की ड्राइवर साइड प्रोफाइल के बारे में। नाउ इट्स द टाइम कि हम लोग जो है कार की रियर साइड प्रोफाइल में मूव कर ले। सो लेट्स मूव टू द रियर साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। सो गाइस राइट नाउ यू ऑल आर वाचिंग द रियर साइड प्रोफाइल ऑफ द Hyundai Alcazar बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट। तो ऐसी कुछ जो है ओवरऑल कार की रियर साइड प्रोफाइल रहने वाली है। कार गाइस थोड़ी बहुत कंजेस्टेड खड़ी है तो इस वजह से आप लोगों को ऐसा कुछ एंगल देखने को मिल रहा है, तो ऐसा कुछ रहने वाला ओवरऑल रियर साइड व्यू कार का। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर में अपने को अगेन सैटिन सिल्वर फिनिश में Hyundai का लोगो देखने को मिलता है, यहाँ पर अगेन सैटिन सिल्वर ट्रीटमेंट देखने को मिलने वाला है। एंड कार के अंदर गाइस अपने को फुली एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। ये ग्लो करने के बाद कैसे कुछ लगते हैं वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर पा रहे होंगे शॉर्ट्स में। यहीं पर अपने को जो है इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलने वाली है एंड यहीं पर अपने को जो रिवर्स लैम्प की प्लेसमेंट है वो भी इंटीग्रेटेड इसी यूनिट में देखने को मिलने वाली है। एंड इसी यूनिट के अंदर इंटीग्रेटेड ही जो है अपने को ये Alcazar की बैजिंग देखने को मिलने वाली है जो कि अगेन सैटिन सिल्वर फिनिश के अंदर रहने वाली है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर अपने को जो है टर्बो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी ऐसी कुछ। एंड यहाँ पर जो है गाइस रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट भी जो है देखने को मिलने वाली है बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट में। गाइस ऑब्वियसली बात है कोई भी 360 डिग्री कैमरा तो आएगा नहीं, बट रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है कंपनी की साइड से दिया गया। ये कैमरा तो इन्होंने दे दिया बट अभी मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाऊंगा अंदर जाके जो इंटीरियर्स में आप लोगों को नोटिस कराऊंगा। तो बम्पर की बात करें तो बम्पर गाइस ओवरऑल कार का ऐसा कुछ रहने वाला है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर ऐसा कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट एंड मैट ब्लैक ट्रीटमेंट रहने वाला है। यहाँ ऐसे कुछ अपने रिफ्लेक्टर्स रहने वाले हैं देख सकते हो आप लोग एंड फोर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो है कार के अंदर ऑफर किए जाते हैं, 1 2
3 and 4 फोर रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है कार के अंदर आ जाते हैं। रियर वाइपर, रियर डिफोगर जो है कार के अंदर दिया गया है। एंड यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिलता है, ऐसा कुछ स्पॉइलर रहने वाला है। ऊपर अपने को नॉर्मल ही जो एंटीना वो देखने को मिलने वाला है। सो गाइस ये हो गया सारा कार की रियर साइड प्रोफाइल के बारे में। अब जो है एक बार पैसेंजर साइड प्रोफाइल चेकआउट कर लो। सो गाइस कार की ओवरऑल पैसेंजर साइड प्रोफाइल ऐसी कुछ रहने वाली है, बिल्कुल डिटो एज द ड्राइवर साइड प्रोफाइल। एक डिफरेंस रहेगा वो ये है कि यहाँ पर जो है अपने को फ्यूल लिड प्रेजेंट देखने को मिलती है। यहाँ से आप लोग अपना जो है फ्यूल वगैरह रिफिल करवा सकते हो कार के अंदर। सो गाइस अब जो है एक्सटीरियर के बारे में हम लोग एक चीज डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम कि हम लोग जो है कार के इंटीरियर में मूव करें। सो लेट्स मूव टू द इंटीरियर। इंटीरियर में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कार का ड्राइवर साइड डोर ट्रिम चेकआउट कर लो। ओवरऑल ऐसा कुछ जो इंटीरियर थीम रहने वाला है, इंटीरियर का कलर थीम ब्लैक एंड टैन फिनिश के अंदर जो है इंटीरियर रहने वाला है। ओवरऑल देख सकते हो आप लोग यहाँ पर अपने को ऐसी कुछ लेदर अपहोल्स्ट्री देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अपने को मेटेलिक सिल्वर फिनिश के अंदर जो है डोर ओपनर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपने को सारे ऐसे कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, पावर विंडोज के कंट्रोल्स, डोर लॉक्स एंड अनलॉक्स के कंट्रोल्स एंड अपने ORVM फोल्ड एंड एडजस्ट करने के जो है कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ अपने को सिल्वर ट्रीटमेंट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अपने को स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिलने वाली है कार के अंदर। एंड यहाँ पर अपने को जो है बोतल होल्डर विद मैप पॉकेट देखने को मिलने वाली है। अब उसके बाद ड्राइवर साइड सीट की बात कर ले तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सीट अपहोल्स्ट्री दिखा देता हूँ। गाइस ऐसी कुछ जो है कार के अंदर सीट अपहोल्स्ट्री आने वाली है, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री रहेगी अगेन टैन एंड ब्लैक कलर के अंदर। एंड कार में गाइस अपने को जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट के अंदर ऑफर किए जाते हैं, देख सकते हो आप लोग। अब ड्राइवर साइड सीट जो है अपने को गाइस वो है ऐसी कुछ अपने को सिक्स वे एडजस्टेबल देखने को मिलने वाली है। मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ ही जो है आप लोगों की ड्राइवर साइड सीट देखने को मिलने वाली है। तो सिक्स वे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ये सीट आती है, जिसके अंदर आप लोग अपना रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हो, लेग रूम एरिया एडजस्ट कर सकते हो एंड सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो। अब हम लोग आ चुके हैं कार के प्रॉपर इंटीरियर्स के अंदर। इंटीरियर्स आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो, बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट के कैसे कुछ लगते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कार की चेकआउट करवा देता हूं इग्निशन ऑन करने से पहले। सो गाइस बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी जो है आप लोगों को ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट की देखने को मिलने वाली है, देख सकते हो गाइस आप लोग। यहाँ पर अपने को फोर बटन प्रेजेंट देखने को मिलने वाले हैं, लॉक एंड अनलॉक का बटन, होल्ड टू स्टार्ट द कार का बटन, इस बटन से जो है गाइस इस थर्ड बटन से आप लोग इसे होल्ड करके रखेंगे तो आपकी जो कार है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड द फोर्थ वन इज होल्ड टू ओपन द टेल गेट। एंड यहाँ पर अपने को ऐसा कुछ जो है Hyundai का लोगो देखने को मिलने वाला है, ब्राउन कलर का ओवरऑल ट्रीटमेंट रहने वाला है इसकी के ऊपर। एंड उसके बाद अब इंटीरियर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। लेदर रैप्ड अपने को स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अपने को जो है सारे क्रूज कंट्रोल्स के और MID के कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले हैं। सैटिन सिल्वर फिनिश में अगेन Hyundai का लोगो। एंड कार के अंदर सिक्स एयरबैग जो है वो आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं, सिक्स एयरबैग्स एक्सटेंडेड, जो कि अच्छी चीज है। यहाँ पर ऐसा कुछ पैनो ब्लैक ट्रीटमेंट रहने वाला है, डी कट स्टीयरिंग व्हील है। बट यहाँ पर अपने को कोई भी जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, ऑडियो कंट्रोल्स जो इंफोटेनमेंट सिस्टम के होते हैं, क्योंकि कार के अंदर भाई अपने को इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं मिल रहा। भाई मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम्हें अंदर जाके एक चीज़ दिखाऊंगा, वो चीज़ यही है कि भाई कार के अंदर इन्होंने कैमरा तो प्रोवाइड करा दिया, चलो अच्छी चीज़ है, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं पैसे बचेंगे, बट इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। तो इसे जो आप लोगों को आफ्टर मार्केट या कंपनी से ही जो आप लोगों को एज इन पार्ट ऑफ एक्सेसरीज में इंस्टॉल कराना पड़ेगा। सो अब जो है मैं कहीं से एक बार कार का इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है। यहाँ पर अपने को आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो ऑटो ऑन ऑफ वाला फीचर होता है उसका बटन देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन एंड हेडलाइट लैमिनेट देखने को मिलता है। तो इग्निशन ऑन कर लेते हैं एक बार। तो कार का जो इग्निशन है वो हो चुका है ऑन। एंड यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ओवरऑल ऐसा कुछ रहने वाला है इस कार का, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है, वही सेम जो वर्ना के अंदर आता है एंड अपनी एक्स्ट्रा वेन्यू इन सब। लेफ्ट साइड पर अपने को स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, राइट साइड पर टैकोमीटर मिलता है एंड यहाँ पर अपने को फ्यूल गेज देखने को मिलने वाला है। वहीं गाइस अपोजिट साइड पर अपने को इंजन टेम्परेचर शो करेगा। सेंटर में अपने को मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलती है, यानी कि MID, जिसे आप लोग यहाँ से जो है इन बटन्स की हेल्प से जो है एडजस्ट कर सकते हो। अपने को ऐसे कुछ जो है ऑटोमेटिक अपना ट्रिप वगैरह दिखा देगी एंड बैटरी कितनी चार्ज है वो दिखा देगी। एंड यहाँ से अपने को ऑटो स्टॉप का जो टाइम वगैरह वो भी दिखा देगी। एंड यहीं से जो है आप लोग इस बटन की हेल्प से सारी सेटिंग्स वगैरह भी जो है एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हो गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों को चैनल पे जल्दी जल्दी मिल जाएगी। TPMS जो है आप लोगों को बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही मिल रहा है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइस जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं, ABS-CVT, TPMS, ऑल फॉर डिस्क ब्रेक्स, सिक्स एयरबैग्स है स्टैंडर्ड एंड ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी जो है कार के अंदर आ जाता है। तो ये सारे फीचर्स गाइस ओवरऑल जितनी भी सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट है वो आप लोगों की स्क्रीन पर राइट नाउ डिस्प्ले हो रही होगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर अपने को पियानो ब्लैक फिनिश में जो है ऐसा कुछ ट्रीटमेंट देखने को मिलने वाला है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स यहाँ पे ऐसे कुछ रहने वाले हैं, देख सकते हो आप लोग। हजार्ड लैंप्स का स्विच ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है अपने को। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग फोन वगैरह रख सकते हो अपना। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आ जाता है कार के अंदर एंड एक टाइप सी चार्जिंग सॉकेट भी जो है देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर गाइस ऐसा कुछ जो है ट्रीटमेंट देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। काफ़ी ज़्यादा लग्जरी जो है फिनिश दी गई है कार के अंदर, देख सकते हैं गाइस आप लोग। एंड यहाँ पर अगेन थोड़ा बहुत सिल्वर ट्रीटमेंट भी प्रेजेंट रहने वाला है एंड ऐसी कुछ जो है मैनुअल ट्रांसमिशन की गियर नोब रहने वाली है। ऑटोमेटिक वाली जो गियर नोब है तो गाइस वो तो आप लोगों को प्रॉपर जो है ओडी वाली फील दे देती है।
अब आप ओडी बोल लो, ऑडी बोल लो, कुछ भी बोल लो भाई, मैं तो ओडी बोल रहा हूँ एक बारी के लिए, बट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ऐसा कुछ जो है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन कार के अंदर आ रहा है, उसकी गियर नॉब ऐसी कुछ रहने वाली है, लेदर ट्रीटमेंट ओवरऑल यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है, लेदर अपहोल्स्ट्री एंड ट्विन कप होल्डर्स आ रहे हैं कार के अंदर, मैनुअल पार्किंग ब्रेक ऐसी कुछ। उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ स्टोरेज एरिया देखने को मिलने वाला है, कोई एम्बिएंट लाइट जो है बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट में नहीं देखने को मिलने वाली, यहाँ पर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट रहने वाला है एंड सेंटर एसी वेंट्स ऐसे कुछ रहने वाले हैं, देख सकते हो गए आप लोग। उसके बाद यहाँ पर अपने ग्लोव बॉक्स एरिया की बात करें तो गए डिसेंट इनफ ग्लोव बॉक्स स्टोरेज एरिया दिया गया अपने को, कूल्ड ग्लोव बॉक्स जो है कार के अंदर रहने वाले, जो क्योंकि अगेन एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद गए यहाँ पर जो है अपने को ऐसा कुछ मैनुअली एडजस्टेबल IRVM देखने को मिलने वाला है, यहाँ सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट रहने वाली है एंड यहाँ पर गए जो अपने को केबिन लैंप्स है वो अगेन LED देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट में LED मिल रहे हैं और क्या चाहिए भाई। यहाँ पर अपने को जो ऐसा कुछ स्लाइडेबल जो है आर्मरेस्ट देखने को मिलने वाला है, देख सकते हो गए आप लोग। इसके अंदर जो स्टोरेज एरिया वो भी डिसेंट इनफ है। अब ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करें तो वहाँ पर अपने को टिकट होल्डर देखने को मिलने वाला है, पैसेंजर साइड सनवाइजर की बात करें तो यहाँ पर अपने को सिर्फ वैनिटी मिरर देखने को मिलने वाला है, लैंप कहीं पर भी जो है देखने को नहीं मिलने वाला किसी भी सनवाइजर पे। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट हाउ द इंटीरियर ऑफ द Hyundai Alcazar बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट लुक्स लाइक फ्रॉम द फ्रंट रो। सो गाइस अब मूव कर लेते हैं कार की रियर सीट्स पे, यानी कि कार की सेकंड रो पे। सो लेट्स मूव टू द रियर सीट ऑफ द कार। सो हां जी गाइस अभी मैं आ चुका हूं कार की रियर सीट्स पे, यानी कि सेकंड रो के अंदर। सो गाइस सेकंड रो में आप लोग देख सकते हो हेडरूम एरिया जो है डिसेंट इनफ है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, तो चलो वैसे भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट अगर यहां पर कोई 6 फीट का पर्सन भी बैठ जाता है तो उससे भी गाइस ऐसा कोई इशू आने नहीं वाला। बट उसके बाद अब लेगरूम एरिया की बात कर ले तो गाइस कार के अंदर ऐसा कुछ जो है लेगरूम एरिया रहने वाला है, देख सकते हो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर, डिसेंट इनफ जो है लेगरूम एरिया कार के अंदर ऑफर किया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर अपने को जो है ऐसी कुछ ट्रे देखने को मिलने वाली है, आप लोग यहाँ पे कुछ भी रख के खा पी सकते हो। एंड यहाँ पर गाइस अपने को ऐसे कुछ जो है सनशेड्स देखने को मिलने वाले, ब्लाइंड्स कंपनी की साइड से कंपनी फिटेड, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है, इससे आप लोग ऐसे कुछ लगा सकते हो उतार सकते हो। एंड यहाँ पर जो है ट्विन रियर एसी वेंट्स ऑफर किए जाते हैं फॉर द रियर पैसेंजर्स, यहाँ पर ऐसा कुछ फोन वगैरह आप लोग रख सकते हो स्टोरेज एरिया। एंड ट्विन जो है अपने को टू अपने को टाइप सी सॉकेट्स देखने को मिल जाते हैं कार के अंदर। एंड कार का आप लोग राइट नाउ देख रहे हो गाइस 7 सीटर वर्जन, तो इसके अंदर 60-40 स्प्लिट्स ऐसी कुछ जो है अपने को मिडल रो देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद गाइस अब रियर सीट्स की बात करें तो रियर सीट्स के अंदर गाइस थर्ड रो के अंदर जो है अभी सीट्स फोल्ड हुई हुई है, थर्ड रो गाइस Alcazar की वैसे भी जो है प्रैक्टिकल नहीं है एज द इनोवा क्रिस्टा और द इनोवा हाईक्रॉस अगर उससे कंपेयर करें तो उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। थर्ड रो के अंदर जो है सिर्फ बेसिकली चाइल्ड्स जो है बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, कोई भी एडल्ट जो है वो इजीली आई डोंट थिंक सो कोई बैठ पाएगा। बाकी दिस इज ऑल अबाउट हाउ द इंटीरियर ऑफ द कार लुक्स लाइक फ्रॉम द मिडल ऑफ द रो और फ्रॉम द थर्ड रो लास्ट रो कुछ भी कह लो। एंड ओवरऑल यहाँ पर जो है अपने को केबिन लैंप ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है एक ईयर एंड थर्ड रो के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है, तो ऐसे कुछ रहने वाले गाइस ओवरऑल कार के इंटीरियर्स। यहाँ पर अपने को जो है सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट के साथ जो है सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। तो इंटीरियर्स के बारे में गाइस एक एक चीज़ जो है कवर हो चुकी है, नाउ इट्स द टाइम कि एक बार आप लोगों को बूट स्पेस चेकआउट करवा देते हैं कार का। सो गाइस अभी जो आप लोग इसका बूट स्टोरेज एरिया देख रहे हो वो इतना ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो अभी इसकी थर्ड रो है ना वो गाइस फोल्ड डाउन है। अभी इसको मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ फिर बताता हूँ गाइस आप लोगों को क्या कुछ इसका स्टोरेज एरिया है। मैंने कार की सीट्स वगैरह जो है बिल्कुल ही अप कर दिया है तीनों रोज, तो अब जो है आप लोगों की स्क्रीन पर जो है ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है इसका बूट स्टोरेज एरिया। तो बूट स्टोरेज एरिया की जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो आप लोगों की स्क्रीन पर राइट नाउ डिस्प्ले हो रही होगी। एंड गाइस यहाँ पर अपने को जो है ऐसा कुछ लैंप देखने को मिल जाते हैं फॉर द नाइट पर्पज। एंड यहाँ पर अपने को टूल किट देखने को मिल जाती है, इसके अंदर जो है गाइस अपने को ऐसा कुछ बाकी सारा सामान देखने को मिल जाता है जैक वगैरह। एंड गाइस कार का जो स्पेयर व्हील है वो तो ऑब्वियसली बात है SUV है ये अगेन फुल साइज SUV, तो इसके जो 7 सीटर SUV तो इसका जो गाइस स्पेयर व्हील है वो अपने को अंडर द बॉडी देखने को मिलने वाली है उसकी प्लेसमेंट। सो गाइस अब जो है एक बार बूट को क्लोज कर लेते हैं। बूट भी गाइस जो इसका टेल गेट है वो अच्छा खासा जो हैवी फील होता है, तो बिल्ड क्वालिटी गुड है कार की, ऐसी कुछ बात है नहीं। बाकी गाइस अब जो है एक्सटीरियर इंटीरियर सारे जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब एक बार जो है कार के इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस कार के अंदर आता है 1.5 लीटर का टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, जो कि अपने को मैक्स पावर 158 BHP की मैक्स पावर जनरेट करके दे देता है एंड 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जो है आप लोगों को ये इंजन प्रोवाइड करा देता है। एंड गाइस कार की जो भी प्राइसिंग है कलर ऑप्शन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर स्टार्टिंग में ही आ चुके होंगे। एंड गाइस कार के जो अदर इंजन ऑप्शन है वो ये है कि कार के अंदर गाइस एक जो है अपने को 1.5 लीटर का U2 CRDI डीजल इंजन भी ऑफर किया जाता है, जो कि अगेन 115 BHP एंड 215 Nm का मैक्स टॉर्क जनरेट करके दे देता है आप लोगों को। उसकी भी जो स्पेक्स है वो ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुकी होगी। सो अगर इंजन स्पेक्स, एक्सटीरियर इंटीरियर, कलर ऑप्शंस, प्राइसिंग, ओवरऑल कार के बारे में एक एक चीज़ जो है हमने गाइस डिटेल से कवर कर लिया है। सो होप सो गाइस आप लोगों को सारी चीज़ें जो
तो होप सो गाइस आप लोगों को सारी चीज़ें जो है डिटेल में क्लियर हो चुकी होगी। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, थोड़ी सी भी आपके काम आई हो, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो हुंडई एल्कसार का या आपने वैसे भी देखी है, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो गाइस एक लाइक कर देना फॉर माई एफर्ट्स, एंड अच्छी लगी हो तो करना ही करना, बाकी मस्ट कमेंट डाउन बिलो कैसी लगी कैसी नहीं। तो गाइस अब कर देते हैं इस वीडियो को फाइनली एंड, बट गाइस अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए देन मेक श्योर टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, जिससे आप लोगों को पता चल जाए नेक्स्ट वीडियो वॉज गॉन लाइव। सो बाय गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।